20 मई 2018 प्रो कबड्डी लीग सीजन 6 ऑक्शंस रिशांक देवाड़िगा ए कैटेगरी रेडर दिल्ली ने बिड शुरू की 30 लाख से और देखते ही देखते पहुंच गए 1 करोड़ 11 लाख पे। आखिरी बिड यू मुंबा और दिल्ली के बीच थी। दिल्ली ने बाजी मारी पर तभी यूपी ने एफबीएम कार्ड दिखा दिया और आप यहां देख रहे हैं रिशांक देवाड़िगा का बेहतरीन परफॉर्मेंस 2018 नेशनल्स क्वार्टर फाइनल में यूपी के खिलाफ। उनका बेहतरीन परफॉर्मेंस ही शायद वजह है कि उन्होंने 1 करोड़ 11 लाख रुपए प्राप्त किए इस पीकेएल सीजन 6 ऑक्शन के दरमियान। आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रिशांक के बारे में। रिशांक देवाड़िगा टूल और डाई रेड स्पेशलिस्ट जिन्होंने अपना प्रो कबड्डी करियर शुरू किया यू मुंबा के साथ। 3 फरवरी 1992 में उनका जन्म मुंबई के सांता क्रूज इलाके में हुआ। रिशांक काफी छोटे थे जब उनके पिता चल बसे पर रिशांक के माता जी के हौसले बहुत बुलंद थे। उन्होंने एक ब्यूटी पार्लर में काम किया और बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दीक्षा दी। रिशांक ने संत एंथनी हाई स्कूल से स्कूलिंग किया और चेतना हजारीमल सुमानी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन। शुरू से उन्होंने खेल और पढ़ाई के बीच बेहतरीन तालमेल रखा। रिशांक ने 6-7 साल की उम्र में कबड्डी खेलना शुरू कर दिया था और कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। बचपन से उनका खेल अव्वल दर्जे का था। आज वो सीनियर नेशनल्स में महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करते हैं और बीपीसीएल के लिए भी खेलते हैं। रिशांक के बारे में ऐसे ही कुछ खास जानकारी हम लेके आएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में अगले बुधवार को। तब तक देखते रहिए कबड्डी अड्डा। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन प्रेस कीजिए और नए वीडियोस अपलोड नोटिफिकेशन के लिए बेल प्रेस कीजिए।